ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है इस YouTube चैनल में। दोस्तों 10 और 11 मार्च गुरुवार इन दो दिनों में भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपको इन दिनों में कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है जिससे आपकी किस्मत चमक जाएगी। दोस्तों मार्च के ये दो दिन आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इन दो दिनों में आपके ग्रहों में कुछ ऐसा बड़ा परिवर्तन होगा जिससे आपके लिए शुभ संयोगों का निर्माण होगा। दोस्तों भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके लिए दो दिन बहुत ही खुशियों भरे रहने वाले हैं। साथ ही आपको इन दिनों में अनेकों प्रकार की बड़ी बड़ी सफलताएं और बड़ी बड़ी खुशखबरियों की अवश्य ही प्राप्ति होगी। दोस्तों वो सफलताएं और वो खुशखबरियां कौन कौन सी हैं, इसलिए आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहें और अंत तक इस वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि यह वीडियो आपकी राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। दोस्तों वीडियो आगे शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन की बेल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी नई नई वीडियो पहुंच सके। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कैसे रहेंगे 10 मार्च से 11 मार्च के ये चार महत्वपूर्ण दिन। दोस्तों आपको बता दें इन दिनों में बेवजह का क्रोध आपको ही हानि पहुंचा सकता है। साथ ही आपको यह बता दें इन दिनों में आपका मन विचलित भी हो सकता है। आपके विचारों में अनेकों सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। आपको अपनी सेहत को लेकर भी सावधान रहने की जरूरत होगी और अपने खान पान और दिनचर्या को संतुलित और नियमित रखने की भी जरूरत होगी। दोस्तों इन दिनों में आपका मन बहुत ही हल्का रहेगा। दोस्तों आपको बता दें इन दिनों में आप विवादित मामलों और गलत संगति से जितना दूर रहेंगे उतनी ही आपको इन दिनों में सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों इन दिनों में जितना हो सके किसी की मदद अवश्य करें। दोस्तों अब दिन इन दिनों में आपकी एक नई शुरुआत होगी। जी हां दोस्तों इन दिनों में आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा, साथ ही साथ आपकी मेंटालिटी और सोच भी बदल जाएगी और आपकी वाणी में एक मिठास आएगी, एक मधुरता आएगी, इससे आप सभी का मन अनायास ही मोह लेंगे। दोस्तों इन दिनों में आपके कार्यों में मजबूती आएगी और आपके सुखों में वृद्धि होगी और अचानक धन लाभ होगा। साथ ही साथ इन दिनों में कारोबारियों को व्यापार बढ़ाने के लिए नए रास्ते खोजने होंगे और दोस्तों महामारी को लेकर भी सावधान रहना होगा। दोस्तों अब इन दिनों में आपके कार्यों में मजबूती आती चली जाएगी और संतान पक्ष को लेकर आपकी चिंताएं अब इन दिनों में समाप्त हो जाएंगी। आपको सामाजिक मान सम्मान प्राप्त होगा। दोस्तों इन दिनों में आप अपने कार्यों में कुछ नया ऐड करने की भी सोच सकते हैं। कोई नया व्यवसाय शुरू करने से आपको लाभ प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों इन दिनों में आपके जीवन में अनेकों बड़े बड़े चमत्कार होंगे और बहुत बड़े बदलाव होंगे। ग्रहों में होने वाले परिवर्तन से अब आपकी भाग्य रेखा बदलने वाली है। दोस्तों आपको बता दें आपने जो पिछले समय में मेहनत की है, परिश्रम किया है, उसका प्रतिफल अब इन दिनों में आपको मिलने वाला है। दोस्तों अब आपकी राशि वालों के ऊपर शुभ ग्रहों की असीम कृपा होने वाली है, इससे आपकी भाग्य रेखा बदल जाएगी। अब इन दिनों में आपकी सारी तकलीफें, परेशानियां और आर्थिक तंगी से आपको छुटकारा मिलने वाला है और अब इन दिनों में आपको बहुत बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरियां मिलने वाली हैं। कई क्षेत्रों से आपको इन दिनों में बड़े बड़े शुभ समाचार प्राप्त होंगे। आपके सभी रुके हुए कार्य पूरे होंगे। अब आपकी धन की समस्याएं इन दिनों में दूर हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों इन दिनों में आपको अपने जीवन में अनेकों सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी जिनकी आपने अपने सपने में और जीवन में कभी कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों आप जो पिछले समय से लगातार मेहनत किए जा रहे थे, परिश्रम किए जा रहे थे और आपको सफलता अभी तक प्राप्त नहीं हुई थी, तो अब इन दिनों में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी और आपको अपने जीवन में बहुत सारी सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी और बहुत सारे बड़े बदलाव होंगे और बहुत सारी खुशखबरियां आपको इन दिनों में देखने को मिलेंगी। दोस्तों निश्चित रूप से यह दिन आपके लिए संतोषजनक दिन होंगे। इन दिनों में भाग्य का आपको पूरा पूरा साथ मिलेगा और इन दिनों में आप अपने कैरियर में आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के बेहतरीन मौके आपको मिलेंगे। साथ ही साथ आपको आर्थिक तौर पर भी अनेकों प्रकार के लाभ मिलेंगे। इन दिनों में आप अपने भविष्य से संबंधित नई नई योजनाओं पर विचार विमर्श करेंगे और आगे की योजनाएं तैयार करेंगे। जी हाँ दोस्तों।